नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अभिनेता दिलीप कुमार के निधन से देश में शोक की लहर। प्रधानमंत्री मोदी व राजनाथ सिंह समेत कई राजनीतिक शख्सियत ने दी श्रद्धांजलि। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बनाया गया है एक नया मंत्रिमंडल। सहकार से समृद्धि के विजय को आगे बढ़ाया जाएगा। यूपी में एमएलसी की चार रिक्त सीटों के लिए चर्चा में कई नाम। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में नहीं लग सकी अंतिम मोहर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में स्वयंसेवकों को सराहा। सेवा भाव की दी सीख। अब हिंदी में भी होगी बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई। एकेटीयू कार्य परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का आज सुबह मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार के निधन के समाचार से उत्तर प्रदेश में उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई। लोगों के साथ कई फेमस हस्तियों ने सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। दिलीप कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले भारतीय अभिनेता के तौर पर भी दर्ज है। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय सिनेमा जगत के पुरोधा, अभिनय सम्राट, असंख्य कलाकारों के प्रेरणा स्रोत दिलीप कुमार जी का निधन फिल्मी जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि मौत उन्हें कहीं और नहीं ले जा सकती। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अभिनेता सुनील पाल जुड़ चुके हैं। तो सुनील पाल, जिस तरीके से आज ये दुखद खबर सामने आई है, जहां आज मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निःशब्द है, सभी लोग क्या कहें इनके बारे में, कोई शब्द क्या शब्द इस्तेमाल करे। अभिनय सम्राट, ये स्टारों के स्टार, आसमान, सिनेमा आजम जो इन्हें कहा जा रहा है, और यही सब चीजें। क्योंकि हम तो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, और मैं अपने अंदाज में अगर कहना चाहूँ तो हम लोग मिमिक्री करते हैं बड़े बड़े कलाकारों की। तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे अपने गांव, हमारा देश का कोई भी छोटा सा गाँव हो, जहाँ पर भी हम शो करने जाते हैं, जब तक दिलीप कुमार साहब की आवाज अंदाज पेश नहीं करते हैं, हमारा शो तो मुकम्मल ही नहीं होता है। और इस तरह से तो वो हमारे ब्लड में है, जहन में है, दिल में है, और वो हमेशा ही रहेंगे। इतने महान कलाकार का शारीरिक रूप से चले जाना दुखद है जरूर, लेकिन उन्होंने काम इतना बड़ा कर दिया, इतना महान काम कर दिया है कि वो कभी भी कला के क्षेत्र से अलग नहीं हो सकते, कभी किसी कलाकार से अलग नहीं हो सकते। क्योंकि हर कलाकार की आइडल हमारे दिलीप कुमार साहब रहे हैं। हर कलाकार के चेहरे रहे, ऐसा कलाकार, ऐसा इंसान, ऐसा स्टार, मतलब सर्वगुण गुण संपन्न ऐसा जीवन उन्होंने जिया है, और हमें प्रेरणा देकर गए। हमें हर मामले में वो कलाकारों के गुरु रहे हैं, चाहे वो इंसानियत का शोभा हो दिखाने, इंसानियत सामाजिक कोई कार्य हो, अभिनय करना हो, मतलब मैं समझता हूँ कि इस चीज के लिए, जैसे बच्चन साहब ने कहा था कि मैं शक्ति फिल्म की शूटिंग करने जाता था दिलीप कुमार साहब के साथ, तो मैं माँ बाप से कह के जाता था कि मैं आज सीखने जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इतने महान कलाकार, ऐसे कलाकार दुनिया से जाते नहीं है, ये लेजेंड है, ये अमर है, ये कभी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ये हमेशा अपने काम के जरिए और अपने अपने बेमिसाल व्यक्तित्व के जरिए हमेशा हमारे साथ लाइव रहेंगे, जिंदा रहेंगे, कुछ लोगों का अंत नहीं हो सकता। कोई डायलॉग जो आपका सबसे फेवरेट रहा हो तो आप दर्शकों से साझा करें। ये जो तुम्हारी माँ है, ये तुमसे बहुत
प्यार करती है, मिलना चाहती है तुम्हें, ये कहती कुछ नहीं है, लेकिन इसके चेहरे से पता चल जाता है विजय कि ये तुमसे बहुत प्यार करती है। हो सके तो मेरे लिए ना सकी, अपने माँ के लिए एक बार उसे देख ली सही, घर जरूर जरूर चले आना बेटे, उसे देख ली। ए भाई जी, क्षण में आपने उनको एक बार फिर से जीवंत कर दिया है। तो सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि दिलीप कुमार का हमारे बीच से जाना एक सदी के अंत के रूप में देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस शब्द को तो मैं यही कह रहा हूँ कि सदी का अंत मैं कैसे मानूं, जब वो दुनिया को इतना कुछ दे रहे हैं, दुनिया ने दुनिया को इतना कुछ दिया है उन्होंने, कि हमारे अंदर है, आपके अंदर है, कलाकारों के अंदर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे, उनकी फिल्में हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। और देखिए, वो हमसे इसलिए भी जुदा नहीं हो सकते क्योंकि आज की 7 तारीख है, 7 बजे सुबह वो चले गए हैं, 7वां महीना है, 21 में भी अगर 3 साथ मिला जाए तो वो हमारे साथ ही है, वो कहीं नहीं गए, ऐसे ऐसे लेजेंड कहीं जाते नहीं है, वो हमेशा हमारे जहन में रहेंगे, दिल में रहेंगे। तो मैं इस सदी का और इस का अंत नहीं समझता, मैं ये इसको समझता हूँ कि अंत शब्द ना इस्तेमाल मैं नहीं चाहूंगा, करना चाहूंगा कि हमारे रहे, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा रहेंगे, कि जब तक जब मैं स्टेज पे जाऊंगा, मैं दिलीप कुमार साहब की आवाज़ निकालूंगा तो मेरे दिल में है, दिमाग में, जहन में है, उनका वो रुतबा कभी खत्म नहीं होगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त आप सुनील पाल को सुन रहे थे हमारे साथ में, जो एक अभिनेता हैं, साथ में एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने दिलीप कुमार को याद किया। उन्होंने कहा कि दिग्गज अभिनेता का हमारे बीच से जाना बेहद ही दुख की घड़ी है। ऐसे में अब उन्होंने परिवार से प्रार्थना की है कि वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि वो शोकाकुल परिवार को शक्ति प्रदान करें। आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे दिलीप कुमार का निधन हो गया है, जिसके बाद से लगातार पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए कई राजनीतिज्ञ ने ट्वीट किया है, साथ ही कई अभिनेता भी ट्वीट करके शोक जता रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो खबर लखनऊ से है, जहां एक युवक ने गोमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का नाम रवि जायसवाल बताया जा रहा है और वो पेंटर का काम करता था। साथ ही मृतक के परिजनों का कहना है कि कई दिनों से युवक डिप्रेशन का भी शिकार था और आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा था। वहीं ये पूरा मामला निशातगंज के पुराना बाबा पुरवा का बताया जा रहा है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोमती नदी में एक युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि मृतक की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ में अमीनाबाद उपकेंद्र में एक्सएन रमेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में देर रात नाइट पेट्रोलिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान देर रात बिजली विभाग के द्वारा छापेमारी भी की गई। कटियामारी कर चोरी से बिजली चलाने वालों पर बिजली विभाग पूरी तरह से सख्त हो चुका है। बता दें कि मौलवीगंज क्षेत्र के हैदर मिर्जा रोड, चिकमंडी समेत कई इलाकों में ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में देर रात बिजली विभाग ने छापेमारी की कार्यवाही भी की, जिसमें नाइट पेट्रोलिंग का अभियान चलाया गया है और जो लोग कटियाबाजी के चलते बिजली का उपयोग कर रहे थे उन पर सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र में मकान तोड़ते समय एक दीवार अचानक गिर गई। इस हादसे में 2 बच्चियां मलबे के नीचे दब गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को बाहर निकाला।
वहीं आनंद फानन में दोनों बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई जबकि दूसरी बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। तो बुलंदशहर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिकारपुर थाना क्षेत्र में से यह मामला सामने आया, जहां मकान तोड़ते वक्त एक दीवार अचानक से गिर गई जिसमें दो बच्चियां फंस गई। आपको बता दें कि मलबे में फंसी बच्चियों को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरी बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज लगातार जारी है। वहीं इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। बुलंदशहर में मामूली विवाद में दो पक्षों में विवाद हो गया, देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्षों के में तीन महिलाओं समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इस मामले की जांच में जुट गई। वहीं ये पूरा मामला नरसेना थाना क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर का बताया जा रहा है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद के चलते मारपीट हो जाती है। आपको बता दें कि दो पक्षों में गंभीर रूप से मारपीट हो जाती है, जिसमें जमकर लाठी डंडे भी चलाए जाते हैं। वहीं इस मारपीट का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आजमगढ़ में पुरानी कोतवाली क्षेत्र में लगे चार ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इस घटना से आसपास के दो तीन मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं इस आग से खंभों में लगे तार भी जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी बिजली विभाग को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर बिजली विभाग के लोग पहुंच गए और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। 11 बजे के करीब ये घटना हुई है ट्रांसफार्मर जलने की। अब हमारी समस्या ये है कि रात से बिजली नहीं है, हमारी तो यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म होने को है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका ने स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के रोजाना मामलों में कमी आने के बाद अब देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ राज्यों में अभी भी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां अनलॉक के तहत स्कूल, जिम, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल और बाजार खुलने लगे हैं। 111 दिनों में कोरोना वायरस के 34,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और सक्रिय मामले घटकर 5 लाख से कम हो गए हैं। सरकार ने कहा है कि देश में अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, केरल, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा, नागालैंड का नाम इसमें शामिल है। वहीं लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि देश में दूसरी लहर अभी भी जारी है, इसलिए कोरोना के नियमों का पालन करना इस वक्त बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा है कि देश में कोरोना वायरस के 80% नए मामले 90 जिलों से सामने आ रहे हैं। वहीं राहत की बात यह है कि देश में पिछले 9 दिनों में लगातार 50,000 से कम मामले रिपोर्ट किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल का दाम इस वक्त 89 रुपए 53 पैसे चल रहा है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। पिछले 2 दिनों में कई वृद्धि के माध्यम से देश भर में ईंधन की दरें ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। आपको बता दें कि 1 मई को 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की कीमत से रेखा से शुरू हुआ पेट्रोल अब राजधानी दिल्ली में 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है, जो पिछले 68 दिनों में 9 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि है। इसी के बाद अगर बात करें डीजल की, तो डीजल की कीमतों में भी पिछले 2 महीनों में 8 रुपए 80 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है और मई और जून के बीच 61 दिनों में 32 बार इसके दाम बढ़ाए गए हैं। तो इस वक्त महंगाई की मार नागरिक झेल रहे हैं, जिसके बाद अब इस तरीके से 100 का आंकड़ा पेट्रोल पार कर गया है।
देश के तमाम राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। कई राज्यों में झमाझम बारिश भी देखने को मिल रही है। जिन राज्यों में मानसून की फुहारें पड़ी हैं, वहां पेड़ पौधों और खेतों में हरियाली भी देखने को मिल रही है। भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने कई राज्यों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ में उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 7 और 9 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आगे जानकारी दी है कि उत्तराखंड में शुक्रवार और आज को जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश की भी आशंका है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। रामपुर के पटवारी थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है। गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस की जवाबी कार्यवाही में गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिससे कि वो घायल हो गया। पुलिस ने कांस्टेबल और गौ तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 25,000 के इनामी गौ तस्कर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्कर के पास से 12 बोर का तबंचा, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। साथ ही एक आरोपी मौके से फरार हो चुका है, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। हमारे गौकशी में मतलब मिला थाने का, उसमें एक व्यक्ति वांटेड था, उसके 25,000 का इनाम था। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोग मोटरसाइकिल को, उसमें से एक आदमी होगा, एक जगह से मिलेंगे। हमने चेकिंग लगाई थी वहाँ पर, चेकिंग में इनको रोकने का इशारा किया गया मोटरसाइकिल को, तो इन्होंने रोका नहीं, भाग के आगे भगाया और पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी तो इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, उसके पैर में गोली लगी और साथ में हमारे कांस्टेबल भी घायल हुआ, उसके बाजू में इंजरी हुई। अभी इस व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, इसका एक्सरे वगैरह। सहारनपुर स्वास्थ्य विभाग में काफी लंबे समय से प्रसव पूर्व लिंग जांच केंद्र चल रहा था और जिला स्वास्थ्य आंखें मूंद के बैठा हुआ था। मामले का खुलासा तब हो सका जब हरियाणा के करनाल जिले से आई स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम ने सहारनपुर पुलिस को साथ लेकर शिवालिक विहार कॉलोनी के एक घर में छापेमारी की। पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से पोर्टेबल जांच मशीन, मॉनिटर और एक आईपैड को भी बरामद किया गया है। बता दें कि करनाल से आए अधिकारियों ने बताया कि शामली निवासी एक आशा वर्कर के द्वारा एक गर्भवती महिला को लिंग जांच के लिए भेजा गया और जांच करते हुए अभियुक्तों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि कई वक्त से लगातार सूचना मिल रही थी कि हरियाणा से लाकर 3,000 से 4,000 रुपए में सहारनपुर में इस तरीके से प्रसव पूर्व लिंग जांच कराई जा रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने टीम बनाकर पूरे प्रकरण का खुलासा किया। खबर सहारनपुर से है, जहां अवैध हथियारों के साथ युवकों का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि करीब 6 से ज्यादा युवकों ने अवैध हथियारों के साथ फिल्मी गानों पर वीडियो बनाया। वहीं से वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, साथ ही फरार आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। युवक के पास इतनी भारी मात्रा में हथियार कहां से आए, उसकी भी जांच की जा रही है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि इस वीडियो में युवक आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। मार देंगे बेटे, छोटी सी गोली अगर तू कोई सोदा कोन्या, रे कोई वजह चुप रहे की लड़ ले, ना मारा भी सर्कल बोदा कोन्या। और इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।